नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन साड़ीज के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रीमियम वर्क की साड़ीज। बहुत अच्छी अभी लोगों की डिमांड है प्रीमियम वर्क की साड़ीज को लेके, तो उनके लिए हम ये सब स्पेशल हैंडमेड साड़ीज लेके आए। ये देखेगा, ये आपको अपना एक सैंपल मिलेगा। वर्क आप खुद कैमरे में देख सकते हैं कितना अच्छा करा है, और ये जितना भी काम है पूरा हाथ का काम है, इसमें कोई भी मशीन का काम नहीं रहेगा। बाकी देखिए, इसी में एक और आपको दिखाते हैं, ग्रीन कलर में ये साड़ी रहेगी। और ये जितनी भी साड़ीज है सब आपकी प्योर फैब्रिक पे रहेगी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि सादा वाला जो जॉर्जेट आता है वो ले लिया। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का एंड सुपीरियर क्वालिटी का आता है वो लेंगे। बाकी देखें, ये अपनी कोटा पत्ती का एक सैंपल। तो आज का जो पूरा वीडियो वो इसी टाइप का वीडियो रहेगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए रेगुलर वीडियो से, लेकिन एक एक चीज बारीकी से हम आपको दिखाएंगे। जैसे क्या होता है ना, आप दूर से देखते तो आपको दिखता नहीं है गोटे में सिलाई कैसा है, लेकिन अभी यही चीज मैं आपको पास से दिखा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि हाँ भैया बोल रहे गोटे में बेस्ट क्वालिटी का सिलाई है, तो बेस्ट क्वालिटी है। तो प्लीज पूरा वीडियो को एंड तक आप लोग ये जरूर देखिए, और अगर कलेक्शन अच्छा लगे तो नीचे एक लाइक का बटन है, बहुत छोटा सा रहता है, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि वो छोटा सा लाइक का बटन अपने लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बाकी तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई भी प्यारा सा कमेंट हो कलेक्शन को लेकर, वो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। लेते हैं नहीं लेते हैं सब एक अलग पॉइंट है, लेकिन नीचे कमेंट जरूर करिए। और बाकी ऑर्डर करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, जो भी साड़ी पसंद आती है। जैसे 12 साड़ी दिखाई तो ऑब्वियस है हर कस्टमर एक ही लेता है, 2-3-4 वाले इसमें नहीं रहते। एक साड़ी लेंगे तो उस साड़ी का आपको खाली फोटो लेना है, ऊपर वाले व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, वहीं पे आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ। तो इसी के साथ दोस्तों, यह आ जाती है अपने पहले नंबर की डिजाइन। ये जो हम आपको डिजाइन दिखाएंगे ये रहेगी आपकी येलो कलर में। बाकी आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाते हैं कि साड़ी का लुक कितना डिफरेंट रहता है। बाकी देखे, ये कुछ आपका इसका ओपन होने के बाद का लुक है। सबसे पहले आपको इसका फैब्रिक बता देते हैं, प्योर जॉर्जेट फैब्रिक रहेगा। जो भी इसमें वर्क है वो पूरा हैंडक्राफ्टेड वर्क है, जो भी गोटा पत्ती का स्टिचिंग है सब बिल्कुल आपका फिनिशिंग से करा हुआ है। एंड जो कलर टोन है वो इसका येलो कलर है। बाकी ये देखे, आपको पूरी साड़ी का लुक दिखाते हैं। ये देखे कितना अच्छा लुक आ रहा है। आप इसके बॉर्डर का लुक देखिए, आपके सामने हम कितने अच्छे तरीके से इसका बॉर्डर दिखा रहे हैं। बॉर्डर में आप फिनिशिंग देखिए, गोटा पत्ती कितना अच्छे तरीके से करा है। बाकी पल्लू पे जो बुट्टे थे वो भी बहुत ही सुंदर है, वही बुट्टे हमने इसमें पूरी साड़ी में कैरी ऑन करे हैं। बाकी देखे, ये कुछ आपका इसका पूरा लुक रहने वाला है। सिल्वर गोटा इसमें यूज हुआ है, एंड सिल्वर गोटे के साथ आपको पिंक कलर का टिंट मिल रहा है। बाकी देखिए, ये कुछ लास्ट में आपका इसका ब्लाउज रहता है। जो इसमें ब्लाउज है वो बिल्कुल प्लेन रहने वाला है, कोई भी वर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये सॉबर्नेस की स्टाइल देने की ट्राई करी है। पूरी साड़ी में हैवी वर्क एंड ब्लाउज में बिल्कुल प्लेन वर्क। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले डिजाइन की तरफ। एंड ये देखिए, नेक्स्ट ऑन दी फ्रेम आपके सामने हम लेके आ गए हैं एक ऑरेंज कलर में साड़ी, केसरी ऑरेंज कलर है। अब इसका जो वर्क रहेगा ना, वो आपका दो टाइप का मिक्स वर्क रहने वाला है, मतलब गोटा पत्ती तो है ही है, साथ में आपको करदाना एंड जरदोजी भी मिलेगा। बाकी देखे, सबसे पहले आपको इसका ओपन उनके बाद का हम लुक दिखा रहे हैं, कितना अच्छा एंड कितना प्रीमियम लुक आ रहा है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, पहनने के बाद गेटअप बहुत अच्छा आता है। पल्लू पे आपको दो स्टाइल के बुट्टे भी मिलते हैं, एंड ऑल ओवर साड़ी आपको ये पूरे टाइप के बुट्टे मिलते हैं। इसमें भी जो गोटा यूज करा है वो सिल्वर गोल्डन मिक्स गोटा है, तो बहुत ही अच्छा लुक देगा पूरी साड़ी को। बाकी देखे, ये कुछ अपना ऑल ओवर साड़ी का लुक रहने वाला है। बॉर्डर का भी आप इसमें लुक देखे, कितना अच्छा बॉर्डर का लुक आ रहा है। बॉर्डर पे फिनिशिंग से पूरा हमने वर्क करा है, पाइप स्टोन है चाहे कुछ भी है, बिल्कुल फिनिशिंग से करा है। बाकी इस बार की जो हमने एडिटिंग करी है वो सबसे अभी तक की बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि एक एक साड़ी का आपको पूरा जूम लुक दिखा रहे हैं कि भाई साड़ी पहनने के बाद कैसी लगती है। बाकी देखिए, ये कुछ आपका इसका ब्लाउज रहेगा। ब्लाउज में भी आप देखेंगे ना, नीचे की तरफ आपको बुट्टे भी मिलेंगे, हल्का सा फुटेज ब्लर हो गया है, बाकी नीचे की तरफ भी बुट्टे हैं एंड ऊपर की तरफ भी बुट्टे रहते हैं। देखिए, ये कुछ टाइप का आपका ऊपर का स्लीव्स रहता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। एंड ये देखिए, ये आ जाती है अपने अगले नंबर की डिजाइन। ये रहने वाली है आपकी पिंक कलर में। अब इसमें जो आपका वर्क है वो ब्लैक एंटिक जो वर्क आता है ना, ब्लैक कलर के पाइप आते हैं उससे पूरा वर्क करा हुआ है। और बाकी इसमें भी आप जो वर्क देखेंगे उसमें जरदोजी का मिक्स वर्क रहने वाला है। बाकी देखिए, ये कुछ सबसे पहले आपकी साड़ी का ओपन होने के बाद का लुक है। बहुत ही प्रीमियम साड़ी है, फैब्रिक भी इसका प्योर रहने वाला है, प्योर जो चिनॉन बेस आता है वो फैब्रिक है, एंड वर्क भी बहुत सुंदर करा है। पहनने के बाद इन सब साड़ीज का गेटअप अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट आता है। और देखिए, प्राइस रेंज रहता है, क्योंकि हाथ से बनती है ना वो साड़ी, तो उसमें अपने आप ही लेबर का कॉस्ट हर चीज का अलग अलग पैसा लगता है। बाकी देखिए, ये कुछ आपका इसका पूरा लुक है। बॉर्डर के अगर आप पीछे देखेंगे ना, आपको पूरा इस टाइप से लेपिंग करा हुआ मिलता है इसमें। बाकी देखिए, आपको इसका बॉर्डर का भी एक बार फिनिशिंग का लुक दिखाते हैं, कितना अच्छा आपको इसके बॉर्डर में पीछे की तरफ और आगे की तरफ लुक मिलता है। बॉर्डर में जो वर्क करा है वो बहुत ही शानदार एंड बिल्कुल फिनिशिंग का है, अंदर के बुट्टे भी बहुत प्यारे हैं। बाकी देखिए, अब आपको सीधा हम लास्ट पीस का ब्लाउज दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, ब्लाउज जो आपका रहेगा ना वो चिनॉन क्रेप पे रहेगा। ब्लाउज आपका फुल्ली हैवी रहने वाला है, फ्रंट बैक स्लीव्स आपको पूरा वर्क देगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक डिजाइन आप सभी के लिए बिल्कुल हैवी स्टाइल में। ये सब साड़ीज अगर आप साउथ और उस साइड से देख रहे हो, और बेसिकली अगर आप टिपिकली मारवाड़ी है, तो आपको पता होगा इन सब साड़ीज की वैल्यू कितनी रहती है अपने में। बाकी देखिए, ये जो साड़ी है इसमें भी आपका सिल्वर गोटा रहने वाला है, प्योर जॉर्जेट इसका फैब्रिक है। बाकी देखिएगा, सबसे बेस्ट प्राइस में इंडियन साड़ीज की आपको गारंटी है, आपको ये साड़ी मिलेगी। बाकी वर्क देखिए, इसमें आपका वर्क कितना हैवी है, बॉर्डर भी कितना हैवी दिया है,
और पूरी साड़ी का लुक इतना अच्छा है। यहाँ पे आपको दो टाइप से बुट्टे मिलेंगे, एक तिरछे रहेंगे एक सीधे रहेंगे। बाकी देखे नीचे आपको ग्रीन कलर की लेस के साथ पूरा हैंडवर्क का काम मिल रहा है। बाकी आपको पूरी साड़ी का लुक दिखाते हैं, ये देखिएगा दोस्तों कितना अच्छा लुक आ रहा है। पूरी साड़ी में जो फिनिशिंग रहती है ना, वो आपको इंडियन साड़ीज पर हमेशा देखने को मिलती है। प्रीमियम चीज हम लोग हमेशा अपने चैनल पे कवर करते हैं। बाकी देखे अभी आप इसके बॉर्डर का क्लोजअप शॉट भी देखिए, आपको कितना अच्छा एंड कितना फिनिशिंग का बॉर्डर मिल रहा है। पूरे में आपके बुट्टों में जो एक एक धागा लगा है ना, वो दिखता है कि हाँ ये चीज अपनी वैल्यूएबल है। बाकी देखे ब्लाउज की बात करें तो लास्ट में ये कुछ अपना इसका प्योर में ही ब्लाउज रहेगा, इसमें आपको दोनों साइड की स्लीव्स लगी मिलेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। अब ये एक डिजाइन देखिए रॉयल ब्लू कलर में, बहुत अच्छा कलर है। अभी हर एक को ऐसे कलर पसंद आते हैं, लाल रानी अपनी जगह रहते हैं और रॉयल ब्लू का जो क्रेज रहता है वो अपनी जगह रहता है। बाकी देखे पूरी साड़ी आपको खोल के दिखाते हैं, ये देखेगा इसका जो पल्लू है उस पर आपको दो कैरी के डिजाइन मिलेंगे एंड पूरी जो साड़ी है उसमें ऐसे छोटे छोटे बुट्टे बने मिलेंगे। अब इसमें जो बुट्टे हैं ना उसकी सिलाई भी पूरी जरी से करी है। जो कम रेंज रहती है उसमें क्या होता है धागे से सिलाई होती है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पूरी जरी से सिलाई करी है। बाकी देखे आपको पूरी साड़ी का लुक दिखाते हैं। ऐसी साड़ीज है ना बहुत अच्छी लगती है पहनने पे, जैसे कभी भी कोई फेस्टिवल हो आपके घर में, कोई छोटा मोटा फंक्शन भी आ जाए या कोई भी आपको तीज त्योहार पे पहननी है तो आप ये सब साड़ीज पहन सकते हैं। बाकी अभी आप इसके बॉर्डर का क्लोजअप शॉट देखिए, कितना प्यारा एंड कितना फिनिशिंग के साथ आपको इसका बॉर्डर मिल रहा है। पूरे बॉर्डर पे एक एक चीज का आपको पता चल रहा है कि हाँ जो लेबर है उसने इधर मेहनत करी है, बनाने वाले ने इधर मेहनत करी है। बाकी ये देखिए ये कुछ आप पूरी साड़ी का लुक देख रहे थे। अब बात करें अपने इसके ब्लाउज की तो ये देखिएगा ये अपना इसमें ट्रेडिशनल राजस्थानी ब्लाउज है। राजस्थान का जो अलग सा ब्लाउज आता है ना वो यही रहता है, हल्का सा बैक के लिए बुट्टी रहता है, साइड के लिए दोनों तरफ स्लीव्स रहता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। अब ये देखिए ये आ जाती है अपनी एक और बहुत ही सुंदर साड़ी। अब ये जो साड़ी है ये प्रॉपर ब्राइडल बेस की साड़ी रहेगी, पूरा इसमें आपको हैवी काम मिलेगा। बाकी तो देखिए साड़ी ओपन करते तब आपको इसका लुक आएगा। फैब्रिक की बात करें ना तो इसमें प्योर चिनॉन फैब्रिक है, वजनदार साड़ी है तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए खोलने में। बाकी ये देखिए ओपन होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। जब भी आप कहीं पे पहन के जाएं चार लोग आपसे पूछने चाहिए कि आपने ये साड़ी कहाँ से ली, तब हमें लगता है कि कस्टमर रियल में सेटिस्फाई हुआ है। बाकी इसमें जो आप वर्क देख रहे हैं पूरा पाइप का वर्क रहने वाला है, एक एक जो वर्क हुआ है हाथ से हुआ है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि मशीन से बन जाता है, जितना भी काम होता है हाथ से होता है। भुट्टे भी जो देख रहे हो उसमें आपको टोटल दो वर्क मिलेंगे, एक तो अपना हाथ की जरी का वर्क रहेगा, दूसरा इसमें पाइप का वर्क रहेगा एंड तीसरा इसमें हल्का हल्का कंदोरे का भी वर्क रहेगा। बाकी आप कुछ इसका पल्लू देख रहे हैं, पूरे अपने साड़ी की बात करें तो ये देखिएगा साड़ी का आपको लुक कितना प्यारा मिलने वाला है, ये देखिए। अब आप इसके अपने कैमरे मोबाइल पे देखिए क्लोजअप शॉट कितना अच्छा आया, मतलब पूरी जो बॉर्डर का लुक है वो आपके सामने आ रहा है कि साड़ी अपने पहनते हैं तो कुछ इस टाइप की लगती है। बॉर्डर पे फिनिशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। ये सब साड़ी इसको बनने में महीना महीना लग जाता है, इसीलिए इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसा नहीं है कि अपन ने खाली मशीन में कुछ भी करा और सीधा एक बार में 10 साड़ी 20 साड़ी रेडी हो जाए। एक साड़ी अगर आपको बनानी है तो कम से कम भी 10 से 15 दिन वेट करना होता है। बाकी देखिए ये कुछ आपका इसका ब्लाउज रहने वाला है, ब्लाउज पे आपको नीचे की तरफ बॉर्डर मिलेगी एंड बैक के लिए वर्क मिलेगा। ये जो ब्लाउज है ये पूरा 1 मीटर कट में रहता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। किसी को लाइट वेट चाहिए लेकिन वर्क हैवी होना चाहिए, क्वालिटी हैवी होनी चाहिए तो ये साड़ी उनके लिए है। इसमें वर्क आपको इतना वजन नहीं लगेगा जितना बाकी साड़ीज में लगता है और फैब्रिक भी आपको बिल्कुल लाइट वेट लगेगा। बाकी देखिए ग्रीन कलर में हमने ये साड़ी खोली है, कैमरे में आपको थोड़ा सा हो सकता है टिंट दूसरा है लेकिन आपको पता चल जाएगा प्योर अगर आप पहनते हो तो कि साड़ी में वर्क ऐसा है। बाकी जो इसका पल्ला है ना वो देखिए आप खाली कितना हैवी एंड कितना ग्रैंड स्टाइल में पूरा पल्लू मिलता है। स्पेशली जो भी हम लोगों के भाई बहन देखते हैं ना वो सब ज्यादातर मारवाड़ी होते हैं तो मारवाड़ी लोगों को पता रहता है कि ये साड़ी किस ओकेशन पे पहननी है। जैसे अगर तीज पर पहनने के लिए चाहिए तो भी ये साड़ी चलती है, दिवाली और पे पहनने के लिए चाहिए तो भी चलती है। बाकी अभी आप इसके बॉर्डर का क्लोजअप शॉट देखिए कितना अच्छा क्लोजअप शॉट आया एंड बुट्टे भी कितने प्यारे लग रहे हैं। बुट्टा जो एक एक बनाया है वो पूरा पौधे का डिजाइन देने की ट्राई करिए जिससे साड़ी का लुक बिल्कुल एनहेंस हो गया है। बाकी ये देखें लास्ट में अगर अपने इसके ब्लाउज की बात करें तो बॉटल ग्रीन कलर के कॉन्ट्रास्ट में हमने इसका ब्लाउज सेट करा है। ब्लाउज पे कॉमन चीज है बैक का वर्क आएगा एंड साइड की स्लीव्स आएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। देखिए अगर किसी को पहले वाली डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो वो ये डिजाइन भी ले सकते हैं। इसका भी आप खाली पल्लू पे वर्क देखिए कितना हैवी वर्क करा है और ये सब में आप देखेंगे ना कहीं कुछ यूनिक है। जैसे इसमें आपको हाथ वाला सीक्वेंस भी मिल रहा है, सीक्वेंस की साड़ी बहुत अच्छी लगती है लेकिन क्या होता है ना मशीन वाली जो होती है उसमें वो मजा नहीं है जो हाथ से बनी हुई चीज का है। देखिए अब बाकी आप इसका पूरा ओपन होने के बाद का लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है, कलर कितना अच्छा खिल के आ रहा है और ये सब अपने हैंड डाइड कलर रहते हैं, बाहर से ही वॉश कराने होते हैं। और वैसे भी जो 4,500-5,000 की साड़ी लेगा वो खुद समझ जाएगा कि ये साड़ी अपनी घर पे नहीं धुलती है। बाकी पूरा काम इसमें आपका जरदोजी खाटली एंड पाइप स्टोन का रहता है। बाकी देखे आपको हम साड़ी का बॉर्डर का भी लुक दिखा रहे हैं। अब आप बॉर्डर का क्लोजअप शॉट देख सकते हैं कितना अच्छा क्लोजअप शॉट आया है, मतलब ये साड़ी में भी आप लुक आप A to Z अगर कोई साड़ी उठाना चाहते हैं ना हमारी हैंडवर्क की होनी चाहिए स्पेशली तो उसका लुक आपको A1 मिलेगा जैसा आपको इस साड़ी में मिल रहा है। बाकी ये देखें ब्लाउज की बात करें
तो पिंक कलर के कॉन्ट्रास्ट में हमने इसका ब्लाउज सेट करा है। ब्लाउज में इसमें आपको स्लीव्स का वर्क भी मिलता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की अब तरह। ये देखिए दोस्तों यह आ जाती है अपने अगले नंबर की डिजाइन। अब ये डिजाइन को दूर से देखने में कोई नहीं समझता है कि इस साड़ी में ऐसा क्या है जो इसकी वैल्यू 6000 रुपए होती है। अब देखिए पास से जब आपको हम ये साड़ी दिखाएंगे ना तब आपको लुक पता चलेगा। बाकी अभी तो आप दूर से लेके ही दूर से देख के ये साड़ी का फील लीजिए कितना अच्छा फील आ रहा है। ये देखिए सबसे पहले आपके सामने हमारा इसका पल्ला आता है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, ये चीज की गारंटी है। हमारी सूरत में जो शॉप है ना उसकी सबसे बेस्ट ये साड़ी रहती है। अब इसमें जो आपको पाइप स्टोन भी मिलता है ना वो प्योरली ब्लैक कलर का रहता है। बाकी जगह आपने देखा होगा या तो सिल्वर आता है या व्हाइट आता है, ब्लैक बहुत ही रेयर केस में आपको मिलता है। ब्लैक के साथ इसमें जो वर्क होता है ना वो आपका व्हाइट कलर से होता है और ब्लैक कलर का लुक भी बहुत अच्छा आता है। बाकी देखिए इसको एंटिक स्टोन भी बोलते हैं, बहुत लोगों को पता होगा। बाकी देखिए ये कुछ अपना फुल साड़ी का लुक रहने वाला है। अब ये फुल साड़ी का आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है। अब ये साड़ी का आप खाली क्लोजअप शॉट देखिए, बॉर्डर की फिनिशिंग कितनी अच्छी है। ऐसी बॉर्डर्स मार्केट में रेडीमेड तो छोड़िए, अगर कोई खुद बनवाने जाता है तो भी नहीं बनती है, क्योंकि कारीगर वन टाइम में वन चीज ही बनाता है। जैसे ये डिजाइन बन गई तो वापस आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। बाकी देखिए आपको ये साड़ी का हम पूरा लुक दिखा रहे हैं। ये कुछ लास्ट में अपना इसका ब्लाउज रहता है। इसका जो ब्लाउज रहेगा उस पर खाली आपको स्लीव्स के लिए बॉर्डर मिलेगी, क्योंकि ये वर्क वापस इस कपड़े पे इतना भारी नहीं बन पाता है, तो खाली आपको इस पे बॉर्डर मिलेगी। आप चाहे तो बाहर से इसके ऊपर हल्का सा वर्क करा सकते हैं। बाकी तो जो लुक आएगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले डिजाइन की तरफ। ये एक साड़ी देखिए वापस 6000 वाली प्राइस रेंज में। अब ये जो साड़ी है ना इसमें दूर से देखने में तो क्या लगता है पूरा बॉर्डर है वो बाहर से लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो बॉर्डर है ये सेपरेट हाथ से बनता है। उसके बाद ये जो पूरा वर्क है ना ये सेपरेटली अलग से होता है। उसके बाद ये दो बड़े बुट्टे होते हैं वो अलग कारीगर बनाता है, जो छोटे बुट्टे होते हैं ना वो अलग कारीगर बनाता है। तो वो सब चीज का पैसा रहता है। देखिए जितना आपको छोटा वर्क कराएंगे ना जीरो गोटे का उतनी साड़ी महंगी होती जाएगी, क्योंकि ये साड़ी का नियम रहता है। अगर गोटा पत्ती की कोई भी साड़ी लोगे ना जीरो गोटा होता जाएगा तो उतना एक्सपीरियंस कारीगर चाहिए। एक्सपीरियंस कारीगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसे भी उतने चार्ज करेगा। तो ये चीज का आप थोड़ा समझ के चलिए। बाकी देखिए ये आपके इसके दो पल्लू पे पूरे हैंड स्टिच बुट्टे रहते हैं। अभी तक अगर हमने वीडियो में नहीं बताया हो ना तो ये देखिए उल्टा होने के बाद आपको एक एक धागे की सिलाई दिख रही है। मतलब सिलाई दिख रहा है एक सबसे बड़ी चीज होती है कि कारीगर का, उसमें पता चल जाता है कि कितना वर्क है। बॉर्डर पे बोला गया है फुल्ली सिलाई करा हुआ है तो फुल्ली सिलाई भी रहता है। बाकी देखिएगा पूरी साड़ी में आपको एक तो फेडिंग का कलर मिलता है एंड पूरे में इस टाइप से छोटे छोटे बुट्टे बने हुए मिलते हैं। बाकी अभी आप बॉर्डर का क्लोजअप शॉट देखिए, फिनिशिंग क्लोजअप शॉट में दिख जाती है कि भैया जो चीज बोल रहे हैं सच में वैसी कैमरे में भी है, एंड घर पे आएगी तो भी सेम चीज भेजेंगे। बाकी देखा आपने पूरी साड़ी का लुक, आपको इसका लास्ट तक का पूरा डिजाइन दिखाते हैं। ये देखिएगा ये कुछ अपना लास्ट तक का पूरा डिजाइन है। पेडिंग में ही पूरा कलर करा है तो कलर का कोई डिफरेंस नहीं है, और ब्लाउज भी जो देंगे ना वो भी पेडिंग में ही रहेगा। ये देखिए ये कुछ आपके इसके ब्लाउज का डिजाइन रहता है। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों आज का आपको अपना प्यारा सा कलेक्शन पसंद आया। अगर आया है तो नीचे एक लाइक का बटन है उसको आप लोग जरूर दबाइए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड आपके पास कोई भी प्यारा सा कमेंट हो तो वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और देखिए ऑर्डर जरूर करिए अगर आगे आप लोगों को 30 त्यौहार पे पहनने के लिए कोई साड़ी चाहिए और इस सेगमेंट की साड़ी चाहिए तो हम जरूर उम्मीद करेंगे आप इसमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। सेफली ऑर्डर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज दिखाए सेम भेजेंगे। ऐसी चीज भेजेंगे जो हम हमारे घर में देते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो बना के माल बेचना होता है। हम चाहते हैं आप लोगों के साथ एक अच्छी सी हम डीलिंग करें, आप लोग हमारे रेगुलर कस्टमर बने। तो बस यही हमारा आज का कहना था। कल मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।